दोस्तों, मैं आपकी फ्रेंड एक बार फिर से आपका वेलकम करती हूँ अपने छोटे से यूट्यूब चैनल फैक्ट शेयर पर। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे देश की सैर करवाने वाले हैं जो कि दुनिया का सबसे बड़ा देश है। इस देश का इतिहास बहुत पुराना है। खास बात यह है कि यह भारत का बहुत पुराना और सच्चा दोस्त है। आज हम आपको रसिया यानी रूस के बेहद ही अमेजिंग फैक्ट बताने वाले हैं, जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, रूस की कुल आबादी लगभग 15 करोड़ है, जिसमें पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की संख्या काफी ज्यादा है। यहाँ पर 100 महिलाओं के ऊपर 86 पुरुष होते हैं, इसीलिए यहाँ पर लड़के लड़कियों को नहीं बल्कि लड़कियाँ लड़कों से मजे ले लेती हैं। दोस्तों, रसिया में समलैंगिक संबंध को जुर्म माना जाता है और यहाँ की सरकार इस जुर्म के लिए 2 साल जेल भी काटने की सजा सुना सकती है। दोस्तों, रसिया की राजधानी है मॉस्को और मॉस्को ही रसिया का सबसे बड़ा शहर है और इसी शहर में दुनिया में 3रे नंबर के सबसे ज्यादा अमीर लोग रहते हैं और इसी शहर में दुनिया में सबसे ज्यादा अरबपति लोग भी रहते हैं, जिनकी संख्या 76 है, जो किसी भी दूसरे शहर के मुकाबले काफी ज्यादा है। दोस्तों, रूस के सेंट पीटर्सबर्ग शहर को रूस की शाही राजधानी माना जाता है, जो मॉस्को के बाद सबसे खूबसूरत शहर है। यह एक वैभवशाली सिटी है जहां मौजूद है रूस के कई शाही महल और म्यूजियम, और इस शहर में भी पर्यटक भारी संख्या में आते हैं। दोस्तों, रूस के पास दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु बम है और इनकी संख्या इतनी है कि पूरी दुनिया को रूस 10 बार खत्म कर सकता है। इसीलिए तो रूस अमेरिका से भी नहीं डरता। दोस्तों, नोवोसिब्रिस्क साइबेरिया की राजधानी है और रूस का 3रा सबसे बड़ा शहर है और यह शहर युवाओं को बहुत पसंद आता है। साथ ही यहाँ की सर्दियाँ जमा देने वाली होती हैं। अगर आपको इतिहास पसंद है तो रूस का कदन शहर मॉस्को से भी पुराना है और इसकी स्थापना 1025 में हुई थी। दोस्तों, कदन का मतलब होता है कड़ा और यह भी रसिया का एक शहर है जहां पर मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा संख्या में रहती है, इसीलिए इस शहर में खूबसूरत मस्जिदें देखने को मिल जाती है। दोस्तों, रूस की महिलाएं दुनिया भर में तह व्यापार करने जाती है और इन्हें लोग पसंद भी करते हैं क्योंकि यह खूबसूरत जो होती हैं, लोग इनके लाल बाल और नशीली आँखों में खो जाते हैं। पूरी दुनिया इन महिलाओं की दीवानी है, इसीलिए बहुत से लोग रसिया घूमने चले जाते हैं। साथ ही रूस की महिलाएं व्यापार करने दुनिया भर में अलग अलग कोनों में जाती हैं। ये महिलाएं आपको थाईलैंड में भी देखने को मिल जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आप कभी रसिया गए तो मॉस्को जाना मत भूलिएगा, क्योंकि वहाँ देखने के लिए बहुत कुछ है। रसिया में पैसों के रूप में रसियन रूबल चलता है, जो भारतीय रूप में लगभग बराबर ही रहता है, यानी कि कम पैसे में भी आप शानदार देशों में घूम सकते हैं। दोस्तों, रूस क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा देश है। यह देश इतना बड़ा है कि इसके एक कोने से दूसरे कोने में पहुंचने में 7 दिन से ज्यादा लगते हैं। दोस्तों, ये बात तो हम सब जानते हैं कि धरती सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, लेकिन रूस के बहुत से आम नागरिक आज भी यह मानते हैं कि सूर्य धरती का चक्कर लगाता है। इतना ही नहीं, यहाँ के लोग काफी अंधविश्वासी भी होते हैं और इसका एक उदाहरण भी है। यहाँ पर जब भी कोई नया घर बनता है तो उसमें सबसे पहले बिल्ली को भेजा जाता है और इसकी वजह यह है कि ये लोग मानते हैं नए घर में जो भी व्यक्ति प्रवेश करेगा उसकी मृत्यु 1 साल के अंदर हो जाएगी। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि बियर को रूस में शराब नहीं माना जाता, बल्कि बियर को तो यह लोग सॉफ्ट ड्रिंक मानते थे और इसीलिए इसे कहीं पर भी वह पी सकते थे। लेकिन 2011 में रूस के प्रेसिडेंट दिमित्री ने नियम बनाया कि रूस में बियर को अल्कोहल के रूप में माना जाएगा और इसे कोई भी कहीं पर नहीं पी सकता। दोस्तों, शायद आपको पता ही होगा, रूस की मदद से भारत ने पाकिस्तान से युद्ध जीता था और रूस ही एकमात्र ऐसा देश है जो भारत के दोस्ती के खातिर अमेरिका जैसे सबसे ताकतवर देश से भी भिड़ गया था। रूस और भारत के बीच यह रिश्ता 70 साल पुराना है। दोस्तों, ये बात बिल्कुल सच है। यहाँ के राजा पीटर द ग्रेट के शासनकाल के दौरान दाढ़ी पर टैक्स लगता था। दोस्तों, अमेरिका ने रूस से अलास्का पर्वत खरीदा था, है ना चौंकाने वाली बात। यह बात है 1867 की और अमेरिका ने अलास्का पर्वत के लिए रूस को महज $7.2 मिलियन दिए थे। तो दोस्तों, अगर आपको रसिया का हमारा ये सुंदर सा वीडियो पसंद आया तो इसे एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल
को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि हमारे आने वाली नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।